हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ भंडारे वाले आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिना प्याज लहसुन के बनाया गया है और आप इसको बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। 2-3 मिनट में बनाइए, दूसरी तरफ रोटी बनाइए और साथ के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया, घी 2 बड़ा चम्मच मैंने डाला। उसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया, साथ ही साथ उसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ डाला और थोड़ा सा चुटकी भर मैंने इसमें मेथी डाला। ज़्यादा मेथी मत डालिएगा क्योंकि वो मुँह पे आएगा तो कड़वा लगेगा। उसके बाद फिर मैंने टमाटर का प्यूरी बनाया था, 2 से 3 टमाटर का प्यूरी बना लीजिए। प्यूरी को इसमें डाल दीजिए, डालने के बाद इसको अच्छे से चला लीजिए, अच्छे से पका लीजिए। जब तक टमाटर का पूरा पानी नहीं सूख जाता तब तक हम इसको पकाएंगे और करछी से अच्छे से इसको हम हिलाते रहेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, 1/2 चम्मच करीब हल्दी, 1/2 चम्मच करीब मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच करीब धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। जीरा पाउडर नहीं डाला क्योंकि मैंने शुरू में ही जीरा, अक्खा जीरा डाला था। बस इसमें हम ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये पूरा पानी इसका सूख ना जाए और इसका तेल ना निकल जाए। तब तक हम इसको पकाएंगे, 4 से 5 मिनट तक आप इसको पका लीजिए या जब तक आपका ये पूरा अच्छे से पानी ना सूख जाए, क्योंकि टमाटर का क्वांटिटी कम या ज़्यादा आपके ऊपर है। जैसे मेरा मसाला सूख गया पूरा, अब मैंने क्या किया इसमें 2 आलू और जो मटर थे, मटर क्योंकि अभी सूख गए हैं बिल्कुल, इसलिए मटर को कुकर में मैंने बॉईल कर लिया। आलू मटर को एक साथ ही मैंने कुकर में बॉईल करके फिर उसका पानी मैंने फेंक दिया और इसको मैंने अभी इसमें डाल दिया और इसको मसाले के साथ मैं अच्छे से भून लूँगी। तो आप पहले से ही आलू मटर को बॉईल करके रख लीजिए और जब आपको सब्ज़ी बनाना हो तुरंत आप बना लीजिएगा इस प्रकार। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाल दिया और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। आलू और मटर को मसाले के साथ फ्राई कर लूँगी और तीखे में मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर दिया है और साथ ही साथ मैं अभी थोड़ा गर्म पानी डाल दूँगी। आप चाहे तो इसमें जितना आपको चाहिए उतना पानी डालिए, आपको अगर तरीदार खाना है तो इसमें और थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाया। पकाने के बाद वापस 3 मिनट बाद मैंने ढक्कन को खोला। खोलने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें घर पर जो बनाई हुई मलाई है, आपके पास अगर क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें घर का जो मलाई होता है फ्रिज में रखा था उसमें से 1 चम्मच मलाई मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि इसमें हम लहसुन प्याज ये सब कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। तो यही जो है क्रीम है या मलाई जो आप बोल सकते हैं, यही इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। ना डालें तो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा मलाई 1 चम्मच। तो अब मैंने इसको डालने के बाद इसको थोड़ा हिला दूँगी। हिलाने के बाद वापस से इसको मैं ढक के पकाऊँगी और नमक आप देख लीजिएगा कितना है चख के। इसी वक्त वापस मैंने इसको ढक दिया। ढकने के बाद अब मैंने आप देख सकते हैं ऊपर तेल आ गया है, मतलब ये बिल्कुल पक गया है। बहुत ही जल्द बन जाता है क्योंकि मैंने आलू मटर को पहले ही कुकर में पका लिया था, सीटी लगा लिया था। 2 से 3 सीटी आप लगा लीजिएगा और जब बनाना हो तब गर्मा गर्म इसको बनाकर गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिएगा। तो मेरा ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल 2 मिनट में रेडी हो गया था। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बनाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।